जिले में छठ पर्व को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सार्वजनिक जगहों पर पर्व मनाने की इजाजत से इनकार। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को दिल्ली में हालात की जानकारी नहीं, जिंदा रहेंगे तभी तो मना पाएंगे त्योहार। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गृह मंत्रालय का बड़ा कदम। एक्सपोर्ट की 10 टीमें बनाई गई। अस्पतालों का दौरा करेगी गृह मंत्रालय की टीम। टेस्ट क्षमता से लेकर इलाज तक का लेगी जायजा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। राजधानी में फिलहाल लॉकडाउन के आसार नहीं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,390 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना से होने वाली मौतों में कमी नहीं। लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 98 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मामले, 89,12,000 के पार पहुंच चुका है कुल आंकड़ा। साथ ही 24 घंटे में 474 लोगों की मौत। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर। खुद लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। तीसरे चरण के ट्रायल में होंगे शामिल। मिशन बंगाल में बीजेपी का ताबड़तोड़ अभियान। हर महीने राज्य के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा और अमित शाह। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान। लालू ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था तो नीतीश ने नियुक्ति घोटाले के आरोपी मेवालाल को बनाया मंत्री। नहाए खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत। पटना में गंगा घाट पर उमड़े लोग। गंगा घाट पर कोरोना से बेपरवाह दिखे श्रद्धालु। न सोशल डिस्टेंसिंग, न चेहरे पर मास्क। कंगना रनौत और बहन रंगोली को मुंबई पुलिस का तीसरा समन। बांद्रा थाने में 23 नवंबर को पेशी का हुक्म। दो नोटिस पर हाजिर नहीं।